दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर सीए और एनआरसी के विरोध में लखनऊ में घंटाघर में सैकड़ों महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लखनऊ के घंटाघर पर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में 20 महिलाओं को आरोपी बनाया गया। इस लिस्ट में शायर मुनव्वर राणा की बेटियों सुमैया और फौजिया का भी नाम है। धारा 144 के उल्लंघन और सरकारी कर्मचारी पर हमले की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सीएए और एनआरसी के विरोध में पुराने लखनऊ में महिलाओं का प्रदर्शन शुक्रवार को शुरू हुआ। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीबन एक दर्जन महिलाओं ने विरोध की शुरुआत की, जो धीरे धीरे भीड़ में तब्दील हो गई और बड़ी भीड़ वहां पर जमा हो गई। महिलाओं का कहना है कि सरकार जब तक सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लेती है तब तक वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ बच्चे भी वहां मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है पूरे मामले में, और वहां पे मुनव्वर राणा की जो बेटियां हैं सुमैया और फौजिया, इनका भी नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद से ये पूरा मसला उठा था और जो दिल्ली का शाहीन बाग है उसकी तर्ज पर ये पूरा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में कुछ महिलाएं, करीब दर्जन भर से कम महिलाएं वहां पर मौजूद थी। फिर महिलाओं का प्रदर्शन देखकर वहां पे और महिलाएं इकट्ठी होना शुरू हो गई और धीरे धीरे देखते देखते ये पूरा प्रदर्शन एक भीड़ का रूप ले लिया और काफी बड़े प्रदर्शन में पुराने घंटाघर के पास ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसने एक अच्छा खासा लोगों को अपने पास जमा कर लिया। और पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर काफी कवायद कर रही है कि प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल अड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं कि जो सरकार है वो सीएए और एनआरसी को वापस ले, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे जब तक सरकार सीएए और एनआरसी का जो उनका सामने बात कही है उसको वापस नहीं लेती, तब तक हम अपना जो प्रदर्शन है उसको चालू रखेंगे। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर अभी बातें भी काफी उठी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मुनव्वर राणा वही शायर हैं जब अभी पिछले जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था तो उस समय जब एक अवार्ड वापसी गैंग जली थी तो उस गैंग में वो भी एक मुखिया के तौर पे थे। उन्होंने भी अपना जो अवार्ड था वो वापस किया था। तो ये वही मुनव्वर राणा है जो पहले भी सरकार का विरोध कर चुके हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ अक्सर रहे हैं, या इन्हें कह सकते हैं ये मोदी सरकार के विरोधी हैं। तो ये वही मुनव्वर राणा है जो शायर हैं, एक इनकी कविताएं बहुत फेमस हैं, इनके शायरे, इनके मुशायरे लोग काफी पसंद करते हैं, लेकिन ये सरकार के खिलाफ हमेशा रहते हैं। तो वहीं इनकी जो बेटियां हैं वो भी सरकार के खिलाफ है, वो भी उनकी जो विचारधाराएं हैं वो भी मुनव्वर राणा यानी कि उनके पिता से मिलती जुलती है। तो वो भी इस लखनऊ के प्रदर्शन में थी और इन दोनों का जो नाम है वो भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। तो शायर मुनव्वर राणा की बेटियों का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। एक इनकी बेटी जो सुमैया है उनका नाम है और दूसरी बेटी जो इनकी फौजिया है, इन दोनों का ही नाम एफआईआर में है। तो आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ये वही शायर हैं जो अवार्ड वापसी गैंग के मुखिया के तौर पर थे और इन्होंने जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उस समय जब एक कवायद चली थी कि जितने भी लोग थे उस सरकार के विरोध में जो भी उनको अवार्ड दिए गए थे सरकार की तरफ से उसको वापस कर रहे थे, तो मुनव्वर राणा भी उस गैंग में शामिल थे और उन्होंने भी अपना अवार्ड वापस करने की बात कही थी और अपना अवार्ड वापस किया था। तो ऐसे में अब मुनव्वर राणा की बेटियां भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, उनकी दो बेटियां इस मामले में शामिल हैं और दोनों का ही नाम एफआईआर में भी दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस का इस समय यह बड़ा एक्शन है इस प्रदर्शन को लेकर, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है पूरे मामले पे। पिछले शुक्रवार से यह धरना प्रदर्शन जारी है और उसके बाद अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। तो इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चंद्रमणि जी, किस प्रकार देख रहे हैं आप ये धरना प्रदर्शन पिछले शुक्रवार से चलता चला रहा है, जहां पहले केवल कुछ गुट की महिलाएं वहां पे थी, अब ये एक तरीके से कहा जाए तो काफी बड़ा प्रदर्शन बनता चला जा रहा है और वहीं पुलिस की अब एफआईआर, तो किस तरीके से देखते हैं इस धरने को? जी बिल्कुल, अगर धरने की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में शाहीन बाग में धरना चल रहा था तो उसी की तर्ज पे यहाँ भी धरना चल रहा है और महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही है और पिछले शुक्रवार से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। तो इसके चलते राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में जैसे गोमती नगर में भी इसी तरह का कुछ प्रदर्शन कल देखने को मिला। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार सीए को विरोध कर रही है और उसी के चलते यहाँ प्रशासन का कहना है कि धारा 144 लागू है क्षेत्र में, जिसके चलते एफआईआर की गई है। कल 18 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा और
फौजिया राणा को भी नामजद किया गया है। तो ये FIR की गई है जहां प्रशासन का कहना है कि जो धारा 144 जो लागू है उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं और इसके तहत 147 धारा 147 145 और 183 और 283 के तहत इन पर पंजीकृत किया गया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन आगे किस तरह से कार्रवाई करता है और क्या इस तरह की कार्रवाई से ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसमें रुकावट आती है या किसी प्रकार का राजनीतिक रुख किस तरह से होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चंद्रणी जी, मनोहर राणा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, क्योंकि अगर हम देखें जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था उस समय भी अवार्ड वापसी गैंग की बात चली थी, उस गैंग में मनोहर राणा भी शामिल थे, उन्होंने भी अपना अवार्ड वापस किया, तो भी सरकार के विरोध में रहे हैं, तो ऐसे में उनकी दोनों बेटियों का नाम FIR में होना, उनकी दोनों बेटियां भी इस प्रदर्शन में शामिल है, उन्होंने धारा 144 का उन्होंने उसको तोड़ा है, तो ऐसे में उनका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? जी अभी मनोहर राणा कुछ भी खुलकर सामने नहीं आए, हालांकि मनोहर राणा हमेशा से जब से भाजपा सरकार बनी है भाजपा सरकार का जो नीतियां हैं उनका विरोध करते आए हैं, और चाहे अवार्ड वापसी के दौरान की जब उन्होंने टीवी स्क्रीन पर सबके सामने अवार्ड वापसी की थी, तो ये तमाम बातें हैं। अब ये देखना होगा कि मनोहर राणा किस तरह से आगे अब आते हैं और किस तरह से जो प्रदर्शन चला उसकी क्या गतिविधि रहेगी, ये भी बात देखने वाली होगी। वही आज अमित शाह भी लखनऊ में है, तो आज राजनीतिक सरगर्मियां जो है उस लखनऊ की उस पर काफी नजर होगी, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह आज लखनऊ में है और उधर इस तरह से जो महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से सामंजस्य होता है और किस तरह से आगे राजनीतिक रुख होता है।